आपको मिलाने जा रहे हैं डायमंड सिटी सूरत से, बहुत ही प्यारा कपल अरुणा प्रज्ञा पाठक, जिन्होंने प्रूव कर दिया यस दिस कैन बी डन। तो आज जब उनकी सेलिब्रेशन होगी तो आपने विजुलाइज करना है कि वो आपकी सेलिब्रेशन हो रही है और आप भी स्टेज पर होंगे। सो मेरी वाइफ उनके बारे में बोलें कुछ। हम इनको डायमंड क्लब में मिले थे, तब हमें पता चला कि इनकी जो वाइफ है शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ हार्ड वर्कर। तो उसे पूछा डायमंड बनने का सीक्रेट क्या, कहती मैं डाउनलाइन को प्यार करती हूँ, अपलाइन को प्यार करती हूँ, बुक्स की दीवानी हूँ, सेमिनार की दीवानी हूँ, सीडी वीसीडी की दीवानी, उसी ने मेरे को डायमंड बना दिया। सो दिस इज़ द मैसेज, थैंक यू वेरी मच। तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में, जबरदस्त एक्साइटमेंट में हम बुलाने जा रहे हैं ब्रांड न्यू डायमंड्स अरुण प्रज्ञा पाठक, जिसमें लिखा है अरुण प्रज्ञा पाठक न्यू डायमंड्स, द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी बिकम्स थ्रू इट बिल्ड। We are proud of your accomplishments and we love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day celebrations 2008. कितने लोगों को ये वीडियो देख के मजा आ गया? अगर मैं 100 साल भी नौकरी करता तो मेरा ऐसा वीडियो कभी नहीं बनता। बट थैंक्स टू एमवे एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड आवर ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिनकी वजह से आज इस स्टेज पर हम है। हमें पर्सनली स्पॉन्सर किया है ग्रेट कपल मेगा एमरल्ड्स गोइंग डायमंड एंड ईडीसी डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज, जो ना सिर्फ हमारे अपलाइन है, हमारे ट्रू फ्रेंड्स है, अच्छे गाइड है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और हमारे अपलाइन डबल डायमंड है कुमार एंड अंजलि शिवराम, जिनका बिजनेस करने का अंदाज, उनका साइज ऑफ बिजनेस हमेशा डुप्लीकेट करने का मन होता है और उसी तरह का हमारा बिजनेस हो जाए, ऐसा हमारा ड्रीम है। अगर इस हॉल में आज आप पहली बार आए हैं या पहली बार इस तरह का बड़ा फंक्शन देख रहे हैं, शायद आपको अंदाज नहीं कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए कितना अमूल्य मौका हो सकता है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। जब हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी तो एमरल्ड डायमंड शब्द हम नहीं समझे थे, एक 5,000 का छोटा सा ड्रीम था और तब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 10 साल के बाद लुधियाना में जाके भी मैं और प्रज्ञा हमारे कंट्री के सबसे बड़े पिन है ट्रिपल डायमंड डॉक्टर एंड मिस्टर एंड मिसेस ब्रेज हमारे हैंड रेज करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। मेरा नाम अरुण है और बाय पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वैसे सूरत में रहता हूँ बट मेरा बर्थ प्लेस गुजरात में एक सौराष्ट्र करके जगह है, एक छोटे से गांव में भावनगर डिस्ट्रिक्ट के पास मेरा बर्थ हुआ था। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थे, पैसा ज़्यादा बना नहीं पाए, इकोनॉमिकली लोअर मिडिल क्लास में थे बट हार्ड वर्क और ऑनेस्टी में एकदम टॉप क्लास में थे। 11th 12th में मुझे याद है मैं किसी और की साइकिल लेके पढ़ने के लिए जाता था, किसी ने मुझे यूनिफॉर्म सिला के दी थी। और इंजीनियरिंग में जब इंजीनियरिंग कैलकुलेटर लेने का वक्त आया, काफ़ी सारा शोर बकोर हुआ था क्योंकि उस ज़माने में 450 रुपये नहीं थे हमारे पास। इंजीनियर बनते ही मुझे लगा कि हमारे ज़िंदगी के जितने भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं सब खत्म हो जाएंगे। मुझे याद है लास्ट ईयर में मैंने मेरी सिस्टर को बोला था कि 5 साल जाने दे तू, हमारे पास घर और गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से बजाज स्कूटर ले पाया 5 साल के बाद।
मुझे समझ में आ गया कि नौकरी पसंद करके मैंने गरीब रहने का रास्ता चुन लिया है। और काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में मैं सोचता रहता था, बट फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से कभी कोई बिजनेस कर नहीं पाया। मुझे याद है शुरू के दिनों में मेरे दिमाग में एक कैरियर बनाने का भूत था। मैं सोचता था जीएम बनूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, डिपार्टमेंट हेड बनूंगा, कितने सारे आदमी हमारे नीचे होंगे। तो मैं काफ़ी वर्कोलिक था, सब कुछ छोड़ के फैक्ट्री में पड़ा रहता था। मुझे याद है प्रज्ञा कई बार मुझे बोलती थी, मैं भी जॉब करूँ क्या। मैं समझता था मैं जॉब में बिजी रहता हूँ, वेल्डिंग कटिंग ये सब काम के बीच में, इसलिए ऐसा बोलती होगी। समझने में मुझे 13 साल लगे, मेरी सैलरी कम है इसलिए ऐसा बोलती है। एनीवे, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, गॉड हैज़ हिज ओन वेज टू रिवॉर्ड यू। और मैं एक प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व था और सिमिलर प्रोजेक्ट हमारी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी बॉम्बे में होने वाला था। उनको एक एक्सपर्ट इंजीनियर की ज़रूरत थी जिनको ऐसा अनुभव हो। हम 2 लोग थे, मगर हमारे 2 बॉस के झगड़े के बीच में मुझे भेजा गया, एक्चुअली जाने वाला कोई और था। आज मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ झगड़ा हुआ, नहीं तो मैं लुधियाना कभी नहीं आता था। मैं गया था प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए 3 दिन, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये विजिट मेरा बॉम्बे का एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। शाम को हमारे प्रोजेक्ट के जो सीनियर एसोसिएट है वहाँ के बॉम्बे के, उनके घर में देखने गया। मैंने सुना था उनके घर बहुत बड़े हैं, 3,500 स्क्वायर फीट का घर है। मैं तो 8x20 की खोली में रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, शाम को 7:30 बजे आ जाओ। करीब अप्रैल 1998 की बात है, बिजनेस लॉन्च होने के 15-20 दिन पहले की बात है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो किसी को बिजनेस प्लान दिखा रहे थे। कुछ 5 मिनट की बात बाकी थी, वो सज्जन ने बोला मुझे लिटरेचर दे दीजिए, मैं ज़रा सोच के बताऊँगा। और वो जाने के बाद मैंने पूछा कि ये आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ क्या, और रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि वेन यू फाइंड आउट द राइट पीपल हु आर लुकिंग मोर इन लाइफ, आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी को भूख भी नहीं है, आप कितना भी अच्छा प्लान दिखा दो, वो बोलेगा ये मेरे लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसे लोग हैं। मैं कई बार प्लान दिखाने जाता हूँ, लोग बोलते हैं भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, मगर गंजी में तो होल है। शायद वो भी भगवान की दया मानता होगा। यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू से यस आई वॉन्ट मोर इन लाइफ। और ऐसा बोलने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं लगी, हिचकिचाहट नहीं हुई। और इनफैक्ट जब लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ इतने सारे सवाल की जगह आप अपना पासबुक देख लीजिए तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। जब पहली बार हमारे घर पे कीट आया, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी पूरा प्लान नहीं देखा था, कॉरपोरेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। प्रोडक्ट का प्राइसिंग देख के डेफिनेटली थोड़ा डर गए थे, 300 रुपये का शैम्पू। अभी जब इंजीनियरिंग के फी के पैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म किसी ने सिला के दिया था, तो 300 का शैम्पू मेरे लिए क्या, मेरे बालों के लिए भी वो सपना था। बट हमारे अपलाइन ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि ये प्रोडक्ट आपको कस्टमर के नज़रिए से नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि थ्रू दिस शैम्पू एंड विद दिस शैम्पू आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हो और कहाँ तक पहुँच सकते हो। और उसके बाद कभी प्राइसिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि पहले साल सब कुछ बराबर हो गया, बट काफ़ी चीज़ सीखे हमने पहले साल में। प्रज्ञा हमेशा उस प्रोसेस में मेरे साथ रही। अच्छा हुआ कभी इसने ये नहीं बोला मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आऊँगी। जब मॉडल मैंने समझा उसने भी समझा, और डे 1 से वो तो एक्साइटेड है, हमारी सफलता में उसका काफ़ी बड़ा रोल है। और पहले आप उनको सुनिए, बाद में फिर मैं वापस बात करूंगा। सो हियर इज ब्रांड न्यू डायमंड प्रज्ञा। थैंक यू। आज का दिन, आज का पल हमारे लिए बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि जब से बिजनेस में हमने साइन अप किया तब से डायमंड बनेंगे ऐसा सोचा था। काफ़ी लोग ने एमवे का नाम भी नहीं सुना है, और हमें भगवान ने मौका दिया, एमवे का नाम भी सुना, और जो भी सोचा था वो डायमंड भी बन गए।
तो भगवान के हम खूब ही आभारी हैं। और मेरा सौराष्ट्र में जन्म है, भावनगर नाम शहर है, और 17 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। और मेरा और अरुण का लाइफस्टाइल देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा सीधा है। उसका लाइफस्टाइल आपने देखा और मेरा देखा सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि शादी कैसे की। और 17 साल के बाद मेरा जन्म हुआ तो जो ने मैंने मांगा वो मिला। कभी ड्रीम बनाया नहीं, ड्रीम क्या चीज़ है मुझे मालूम नहीं था। और जैसे जैसे बड़ी हुई तो स्कूल में डाला, कभी भी मन नहीं होता था तो दादाजी के पास चली जाती थी और कहती थी आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो मम्मी पापा वहाँ आ ही नहीं सकते थे, तो ऐसा कुछ ड्रीम था ही नहीं। जैसे बड़ी हुई शादी की बात होने लगी, पहले ही देखा लड़का इंजीनियर, सब लोग खुश थे, एक दूसरे ने हाँ बोल दिया, कैसा हाँ बोला वो मालूम नहीं लेकिन हाँ बोल दिया। कभी किसी को पूछा नहीं कि तनख्वाह कितनी है क्या है, वो भी पढ़ाई कर रहे थे और सब लोग बहुत खुश थे, तो मैं भी खुश होकर हाँ बोल दिया कि चलो आप लोगों को अच्छा लगता है तो कर लो, इंजीनियर लड़का है तो जीवन अच्छा जाएगा, ऐसा सब लोग बोलते थे। शादी करके मैं सूरत में गई तो मालूम पड़ा कि अरुण की तनख्वाह तो 800 रुपया है, और एकदम छोटा सा घर था, एक ही कमरे में नहाना धोना खाना, गेस्ट आए उसको भी बिठाना, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मेरे घर की साइज़ का बाथरूम जितना था उसी में ये लोग रह रहे थे। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये घर में मैं रह पाऊँगी कि नहीं, लेकिन कैसे भी करके मैं वहाँ रही। फिर उसी साल मैं प्रेग्नेंट हुई और 800 रुपया में तो चलने वाला था नहीं। मैंने अरुण को बोला कि अभी जॉब चेंज करेंगे, तो उसने बोला ठीक है। फिर हमने बड़ौदा गए GACL में, 1500 रुपया तनख्वाह थी, सुन के बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वहाँ गए तो किराए पे घर लगा रखा तो 500 रुपया तो किराया ही था उसका, तो 200 रुपये के हमने पूरा सिटी चेंज किया। फिर वहाँ अदिति का बर्थ हुआ और फिर मैं मेरे मायके चली गई। फिर उसने वापस दूसरी जॉब पे गए और एक कोसम्बा करके छोटा सा गांव है, वहाँ 1800 रुपया तनख्वाह थी उसकी, लेकिन वहाँ अच्छा था, कंपनी घर दे रही थी, लाइट बिल भरना नहीं था, जंगल में बनाई हुई कॉलोनी थी तो वहाँ किसी का आना जाना नहीं था, तो 1800 रुपये में थोड़ा अच्छा चल रहा था। फिर 9 साल वहाँ रहे, वहाँ मेरा बेटा का जन्म हुआ कृतार्थ का। फिर बच्चे जैसे बड़े होने लगे तो एजुकेशन के बारे में हम लोग सोचते थे, और फिर अरुण ने बोला कि सूरत में मैं पढ़ा लिखा हूँ, वहीं पे मेरा बचपन गया है, तो हम लोग सूरत क्यों ना जाए। फिर हम लोग ने सूरत चूज़ किया, फिर सूरत आए। सूरत आने के बाद 2 साल के बाद हम लोगों को ये बिजनेस मिला। जब सूरत आए तब रिलायंस में जॉब करते थे, जाने का टाइम पक्का था, आने का टाइम कुछ पक्का नहीं था, तो वो भी एक टेंशन था मेरे लिए, नया सिटी था। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि घर भी हमने लोन पे लिया था तो 5-7 हज़ार आए तो अच्छा है। तो मैं अरुण को बोल रही थी कुछ ना कुछ कहीं जॉब मिल जाए मुझे तो अच्छा है, लेकिन उसने मेरे को मना किया कि तू घर संभाल, पैसा कमाना मेरा काम है। और वो कंपनी के काम से बाहर गए, वहाँ उसने बिजनेस देखा, बिजनेस देख के आए, उसको अच्छा लगा, उसने आके मुझे बोला कि प्रज्ञा तू कुछ ना कुछ करना चाहती है तो एक बिजनेस देख के आया हूँ, बहुत अच्छा है। उसी 2 दिन दरमियान हम सूरत में गए, होम प्लान था, अच्छे लीडर का प्लान था, और वहाँ जाके हमने होम प्लान में देखा कि 5 हज़ार तो आएगा लेकिन मेहनत करने के बाद 50 हज़ार भी आप कमा सकते हो। तो 5 हज़ार का सोच के गए थे, 50 हज़ार सुना तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और उसी टाइम मैंने अरुण को बोला ये बिजनेस तो अच्छा है, हम लोग करेंगे, उसने हाँ बोला। फिर घर पे गए, लिस्ट बनाया 13 लोगों का, फिर अरुण ने बोला कि 4-5 महीने के बाद ये बिजनेस शुरू करेंगे। मैंने बोला क्यों, उसने बोला थोड़ा पैसे का इंतज़ाम हो जाने दे 4,400 का, बाद में ये बिजनेस करेंगे। तब मुझे एक ख्याल आया कि 13 साल के बाद, शादी के 13 साल के बाद अगर 4,400 की भी हमें राह देखनी पड़ती है तो कुछ करना चाहिए ऐसा नहीं लगता है। मैंने बोला पैसे का प्रॉब्लम है, मेरा और बच्चों का पैसा था जमा किया हुआ और उसी पैसे से हमने बिजनेस शुरू किया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, वो जॉब पे जाते थे और मैं सबके साथ बातें करती थी, सब लोगों ने बोला प्रज्ञा बेन ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, ये अमेरिका में चलेगा, इंडिया में नहीं चलेगा। फिर मेहनत करते हुए हमारे टावर वाले ने सबने देखा, आउटस्टेशन बिजनेस बढ़ाने लगे हम लोग, वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। फिर सब लोगों ने बोला अरुण भाई की अच्छी खासी जॉब है, इंजीनियर है रिलायंस में, इतनी अच्छी जॉब है तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों करवाते हो।
फिर मैंने बोला मेहनत नहीं है ये, इसमें रॉयल्टी बिजनेस है। लेकिन उन लोगों का कुछ ड्रीम नहीं था, वो मुझे मालूम हो गया और हम लोग मेहनत करते ही गए। फिर 2-3 साल बाद के अच्छा खासा चेक आने लगा। बीच बीच में हमारे अपलाइन आते थे और एक बार अपलाइन ने आके हमें पूछा कि प्रज्ञा बेन आपका ड्रीम क्या है, तो मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा। आज तक अरुण ने भी नहीं पूछा मेरा ड्रीम क्या है और अपलाइन ने पूछा, और मेरा फेथ बढ़ गया। और मैंने बोला ड्रीम तो मेरा घर घंटी है, क्योंकि जब गेहूँ पिसाने के लिए मुझे जाना है तब मैं अरुण की राह देखती हूँ। जब से बैठती हूँ पीछे पिसा के आती हूँ गेहूँ, तब तक वो इतना बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली चली जाती तो अच्छा था। तो मेरा तुरंत का ड्रीम था, कभी सोचा भी नहीं था, और घर घंटी बोल दिया। और उसी साल मेरे घर में वो घर घंटी आई, तो मुझे और फेथ बढ़ गया कि बिजनेस में तो ड्रीम भी पूरे होते हैं। और हम करते गए, अच्छा रिजल्ट आया, अच्छी पिन भी मिली, घर का लोन भी जल्दी से ख़त्म हो गया। और मेरी बेटी जो है भरतनाट्यम में, वो सिलेक्ट हुई थी पेरिस जाने के लिए, तो पहले मैंने मना किया था कि अभी नहीं जाएगी तू, लेकिन उसके पापा ने बोला था ये बिजनेस के जरिए ही तेरे को भेजेंगे। वो भी 20 दिन पेरिस जाके आई तो वो भी बहुत खुश थी। सब लोग बोलते थे आप लोग बिजनेस करने में बहुत बिजी हो, आपके बच्चे को कहीं घूमने फिरने नहीं लेके जा रहे हो। सब लोग सैटरडे संडे बाजू के गार्डन में ही जाते थे और बहुत खुश रहते थे कि बच्चों को कहीं घुमाने के लेके आए। और मैं तो घर में बैठी रही थी और बच्चे के साथ ऐसे ही बातें करते दिन बिता रहे थे। और जब भी हम लोग बच्चे के साथ पटाया गए तो काफ़ी बच्चे ने बोला कि जब अंकल आंटी आए अदिति कृतार्थ के मम्मी पापा तब आपने बिजनेस क्यों नहीं किया, वरना आज हम उसके साथ पटाया जाते। और ये बिजनेस के जरिए हम 11 बार जाके आए कंट्री के बाहर, और देखिए लोग 11 गार्डन भी नहीं घूम पाए बच्चे के साथ। ये बिजनेस में बहुत फर्क है, लेकिन जो भी कुछ मिलेगा, जो भी ड्रीम है, वो पीछे जरूर आपके पूरे होंगे। पहले मेहनत करना है, और एक बार दिल दे के मेहनत करोगे तो सब कुछ आसान है। और अरुण का जॉब भी ऐसे ही छूट गया, क्योंकि बहुत मेहनत करवाते थे, खून का पानी बना देते थे वो लोग, बॉस का गुस्सा घर पे आके निकालते थे मेरे पर। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि रिलायंस की जॉब करते हैं लेकिन मेरे लिए थोड़ी करते हैं, मुझे भी कभी। लेकिन ब्रिज सिस्टम के जरिए देखिए पति पत्नी कैसे रहना है, वो यही एक बिजनेस में ब्रिज सिस्टम ही सिखा सकता है और कोई नहीं। पति पत्नी को नज़दीक लाने में, एक दूसरे को पहचानने में ये ब्रिज का बहुत ही बड़ा रोल है, वरना जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते कभी भी। मेरे समाज में मैंने कितने केस ऐसे देखे हैं कि पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, लेकिन वो एक दोनों में से एक नहीं रहते हैं तब मालूम पड़ता है वो कितनी अच्छी थी, वो कितने अच्छे थे। ये ब्रिज सिस्टम में वो सुनना नहीं पड़ेगा, अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। आज दोनों का ड्रीम एक है, गोल एक है, और ये बिजनेस में बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ है ब्रिज वर्ल्ड वाइड में, प्रेम क्या है, पति पत्नी नज़दीक, एक ही छत के नीचे सारे कितने जॉइंट फैमिली रहते हैं, वो सब यही बिजनेस में होते हैं। और काफ़ी कुछ मिलता है, अगर दिल से करेंगे तो आपके भी ड्रीम पूरे होंगे। थैंक यू। प्रज्ञा से जब शादी की बात हुई, वो खुश थी, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको कहाँ पता था कि उसके मुंह से वेल्डिंग के स्पार्क निकलते हैं। क्या करूँ, सालों भर का एसोसिएशन, पूरा दिन मैं जिन लोगों के साथ रहता था, ऐसे शब्द थे जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और पॉजिटिव एसोसिएशन का मौका इधर ही मिला। आज वो बोलती है कि 17 साल का मैकेनिकल इंजीनियर की ज़िंदगी के साथ जो रही हो, उससे अच्छा है 10 साल का ब्रिज स्टूडेंट अच्छा है। आपके वेल्डिंग स्पार्क को फूलों में कन्वर्ट करने की एबिलिटी ये सिस्टम में ही है। कई बार तो आदमी को पता भी नहीं लगता कि स्पार्क निकल रहे, और क्योंकि स्पार्क निकलते थे हमारी जर्नी भी बहुत होती थी। हम लोग सूरत में रहते थे, प्रज्ञा का मैका 400 किलोमीटर दूर भावनगर में है, थोड़ा ज़्यादा स्पार्क निकला तो भावनगर चली जाती थी वो। और 5-15 दिन में मैं समझ जाता था कि प्रज्ञा तो चाहिए, टिफ़िन कौन बनाएगा, तो मैं वापस उसको लेने के लिए जाता था। तो ऐसी हमारी जर्नी बहुत हुई, सूरत भावनगर, सूरत भावनगर, सभी ढाबों के बारे में पता है बीच में जितने भी आते हैं। बट थैंक्स टू एमवे एंड ब्रिज वर्ल्ड वाइड, पिछले 9 साल में करीब 11 कंट्री में मैं और प्रज्ञा जाके आए। मुझे याद नहीं है हमारे कोई सीनियर कलीग, हमारे बॉस या मेरे साथ में काम करने वाला हर साल हर नवंबर में अब्रॉड जाता हो,
ऐसा आप भी देख लीजिए, आज आपके आजू बाजू में ऐसे कितने लोग हैं, शायद जिंदगी में एक बार जाएंगे और उसके लिए कितनी सारी कुर्बानी कर देनी पड़ेगी। सो ये मौका है, हालांकि सब लोग तो ऐसा नहीं समझेंगे। मेरा पड़ोसी शुरू में मुझे बोलता था ये बिजनेस इंडिया में नहीं चलेगा। मुझे सरप्राइज लगता है, इतनी सारी नॉलेज है तो वो चिदंबरम की जगह पे क्यों नहीं है। अच्छा ही हुआ मैंने उसकी बात नहीं मानी, वो स्कूटर चलाता था, आज भी स्कूटर चला रहा है। अगर मैं उसकी बात मानता तो आज दो लोग स्कूटर चलाते थे। बिजनेस की जब शुरुआत की तो ज़्यादा तो मॉडल समझा नहीं था, मुझे लगा टीवी बंद करेंगे 5,000 रुपया आएगा, और मुझे सास बहू की सीरियल से इतना प्यार नहीं है जितना मेरे फ्यूचर से है। तो मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी करेंगे, बट सबसे पहला इस बिजनेस के बारे में कुछ ज़्यादा मैं समझा तो जब हमारे अपलाइन डबल डायमंड को मैं मिला, करीब जून एंड में वहाँ आए थे, जून जुलाई था, 98 का वक्त है। हमारे अपलाइन शंकर जी ने बताया कि हमारे अपलाइन डायमंड को आप मिले नहीं है, वो बड़ौदा आ रहे, हमारे कंट्री मेंटर कांति भाई भी वहाँ है, वाई डोंट यू गो देर। और मैं वहाँ पे गया, मुझे याद नहीं आज करीब करीब इतनी ही गैदरिंग होगी वहाँ पे, उन्होंने क्या बताया, बट एक चीज़ मेरे दिल में जो हिट कर गई वो मैं ये है, मैं समझ पाया कि दो चीज़ में वो हमसे बहुत आगे है। एक तो उनके पास मर्सिडीज बेंज है, अगर मैं 50 साल भी नौकरी करता तो हमारा सीनियर मोस्ट आदमी मर्सिडीज नहीं चलाता है, वो तो हमारे ओनर ही चलाते हैं सिर्फ कंपनी के, यानी फाइनेंशियली मैं बीट नहीं कर पाता। जो चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में 60 साल में नहीं आएगी वो उनके पास 34-35 साल में है। और दूसरी चीज़ मैं समझा कि इज़ अ फुल टाइम फादर। ये फुल टाइम फादर शब्द मैंने 35 साल तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। नौकरी करता तो बाय डिफ़ॉल्ट फुल टाइम ग्रैंडफादर ज़रूर बन जाता था, बट थैंक्स टू दिस बिजनेस उसी बाद मेरा कमिटमेंट बढ़ा। और आप देखिए नेक्स्ट 4.5 ईयर्स के पार्ट टाइम एफर्ट के बाद ये मेरी ज़िंदगी का 6ठा साल है रिटायरमेंट का, मैं जॉब पे नहीं गया, प्रज्ञा ने लंच बॉक्स नहीं बनाया कभी 6 साल में, मैंने हेलमेट नहीं पहना और सेफ्टी शूज़ नहीं पहनता हूँ, आई कार्ड नहीं है इधर, किसी को बॉस नहीं बोलता हूँ। और पिछले 6 साल में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ और प्रज्ञा के साथ जितना मैंने वक्त निकाला उतना मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं निकाला है, थैंक्स टू एमवे एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड। बिजनेस की जब शुरुआत हो गई 3% जाने में, उस ज़माने में 200 पीवी पे 3% हुआ करता था, 3 महीने में 3% हो गया था और 10 महीने में 9% हो गया था, हर महीने करीब करीब 1% अच्छा ग्रोथ था, उतना 1% इंक्रीमेंट तो जॉब में नहीं था। और मुझे याद है पहला मेजर फंक्शन मैंने देखा बॉम्बे में, जहाँ डॉक्टर साहब आए थे डायमंड क्वालिफिकेशन में, और मैं अकेला गया था इसीलिए कि फंक्शन का 400 रुपया बचाना चाहता था उस वक्त। और मुझे याद है कुमार भाई ने बोला कि फंक्शन देखते ही तो समझ जाएगा कि प्रज्ञा को नहीं लाके तूने गलती की है, और हाफ वे ही मैं समझ गया, उसके बाद वो गलती मैंने कभी नहीं की। उस फंक्शन में मैंने देखा, मैं इतना समझ पाया कि ज़िंदगी में अगर मुझे चुनाव करने का वक्त आया एमवे और जॉब के बीच में तो मैं ज़रूर एमवे को चुनूंगा, डैट वॉज अ कॉन्फिडेंस। पूरे साल की जर्नी में अगर फाइनेंशियली आप देखें तो शायद 1,000 रुपया में कमाया, क्योंकि 9% गया, फिर 40-50 दिन के लिए कंपनी ने कहीं प्रोजेक्ट वर्क के लिए लखनऊ भेज दिया, जब वापस आया तो वापस 200 पीवी था, इसलिए कि मैंने 160 पीवी लखनऊ में किए थे 2 विर्थ खोल के, और लोकल टीम 1,000 पीवी वाली 40 हो गई थी। बट वापस मतलब एट द एंड ऑफ ईयर आप देखो तो वापस 3% ही था। मुझे याद है हमारे अपलाइन से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी छोड़ सकते हो या तो नया पेट्रोल डाल सकते हो, ही वॉज टॉकिंग ऑल अबाउट न्यू एक्सपेंशन। और उसके बाद कभी देखा नहीं, बट पहले साल में ज़्यादा पैसा बना नहीं पाया, उससे ज़्यादा अधिक पैसा शायद मैंने टूल्स में डाला, फंक्शंस में डाला। ज़्यादातर लोग बोलते थे इंजीनियर हो इतना एफर्ट अगर जॉब में लगाओगे तो तरक्की हो जाएगी, अच्छी इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई यू वॉन्ट टू स्पॉइल योर कैरियर, उनकी नज़र में शायद वो सच था। बट एक साल के एंड में हमारे अंदरूनी जो चेंज आए थे वो उनको पता नहीं था। मैं समझता था 5,000 रुपये का बिजनेस है, बट एक साल के बाद मैं समझ पाया कि 5,000 नहीं 5 लाख और 5 करोड़ भी कमा सकते हैं इससे। एट द एंड ऑफ वन ईयर
मैं समझ पाया कि अपलाइन रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है। हमारे जितने ट्रांसपेरेंट रिलेशन होंगे उतना ही ये बिजनेस में अच्छी तरह से कर पाऊंगा। कॉरपोरेशन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, इनफैक्ट 7वां प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो पता चला कि वो एसेट भी बनाते हैं लोग, बट पहले साल के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो ग्लोबल कॉरपोरेशन है, ना सिर्फ इंडिया में बट काफ़ी सारी जगह पे हम ये बिज़नेस फैला सकते हैं। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के बारे में मैं समझा, और यही सब चीज़ को लेके क्योंकि मेरा उत्साह ज़्यादा था, पीपल स्किल के बारे में मैं समझ पाया, प्रज्ञा की क्या वैल्यू है ये बिज़नेस में वो मुझे समझ में आया, और इसीलिए जब दूसरे साल में लोगों के साथ बात करने गया यही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा पाया, तो दूसरे साल रिजल्ट अच्छा है और 1000 को 20000 करने में टाइम नहीं लगा। मैंने एक बार बिलब्रिट के कैसेट में सुना था ये बिज़नेस में बहुत पैसा है दूसरे साल में, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले साल के बाद ही आता है। और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि इनके घर में क्यों गए आप। जैसे मैं किसी को प्लान दिखा रहा था, वो बोलता है मैंने ज्वाइन किया था मगर करके छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों छोड़ा, बोला 6 लोगों को जोड़ा मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। मैंने बोला दूसरी बार आपको बोलना चाहिए 7 लोगों ने कुछ नहीं किया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, आप। 6 लोगों को लाने वाला कौन है, अगर वो 6 चले जाएंगे तो दूसरे 6 को कौन लाएगा, आप लाए। और अगर आप गेम में रहेंगे तो ऐसे लोग हमेशा मिलते रहेंगे, यू मस्ट बिलीव इट। हमारा जो पहला प्लेटिनम लेग है वो फर्स्ट 18 मंथ्स तक हमारे साथ नहीं था, लेग की शुरुआत हो गई थी करीब करीब 7-8 महीने के बाद, बट 9 डीप जाते जाते वहाँ पे एक सज्जन मिले, उनको मैंने स्पॉन्सर किया, थोड़े ही दिनों के बाद FED था बॉम्बे का, वहाँ मैं उनको लेके आया। तब तक उनके बहुत सवाल थे, डॉक्टर साहब को उन्होंने सुना, कभी भी सवाल नहीं पूछा। नेक्स्ट 40 डेज में वो क्वालिफाई हो गए सिल्वर, आज तक उन्होंने क्वालिफिकेशन ब्रेक नहीं किया। आज हमारे टीम के एमरल्ड है भरत और भावना बलर, वो डायमंड शिप की तरफ जा रहे। जब वो क्वालिफाई होने लगे तो मेरे और उनके बीच में 8 लोग थे, उसमें से एक की आंखें खुल गई, बाकी की खुल रही है धीरे धीरे। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम क्वालिफाई करें, बिजनेस इतना अच्छा है। और लास्ट ईयर वो भी ब्रांड न्यू एमरल्ड बने, भूपत और चेतना पटेल। उसके नीचे बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन में इस साल नए एमरल्ड्स और काफ़ी सारे सफायर्स वहाँ पे आ रहे। जब पहला लेग क्वालिफाई हुआ तो दूसरा ढूंढना नहीं पड़ा, वो मेरे विर्थ में था ही। बट पहला लेग सिर्फ 2 महीने में ज्वाइन होके क्वालिफाई हो गया, तो उनको लगा कि हम 1 साल से क्या कर रहे हैं, और उसी चीज़ ने फायर लगाया और हमारा दूसरा लेग भी क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में रजनी और जयदेव मेहता फाउंडर प्लेटिनम है, उनके नीचे प्लेटिनम्स गोल्ड सिल्वर काफ़ी सारे लोग हैं। हमारा जो तीसरा लेग है, मेरे दोस्त की फूफी का लड़का है, मुझे लगता था ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा मेरा ख्याल था जब मैं गया, बट तुरंत ही उसने पैसा दे दिया, काफ़ी सारे लोगों के पास ले गया। आज उसी लेग में प्लेटिनम्स है, नए प्लेटिनम्स आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लड़का वहाँ नहीं है, रिन्यूअल फीस उसको थोड़ा ज़्यादा लग गया। हमारा चौथा लेग जो है वो प्रज्ञा की सिस्टर है, उस करीब करीब 99 में स्पॉन्सर किया था। जब बहुत सारे लोग जुड़ते नहीं तो कहीं ना कहीं भाई बहन का तो फॉर्म भर ही सकते ना। मैं 2-4 बार ससुराल में गया तो उसको तरस आ गया कि चलो एक फॉर्म भर ही देते। जब उसने फॉर्म भरा तो एक और सिस्टर को तरस आ गया, 1-2 महीने में उसने भी फॉर्म भर दिया, फिर उनके भाई ने फॉर्म भर दिया, काफ़ी सारा हाथ पैर मारा उधर। और जब तक मैं हम लोग एमरल्ड क्वालिफाई हुए उस लेग में कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। ये वो लेग है जिसको लेके मैं बहुत सारे स्टेट में घूमा, इसलिए मेरा ज्योग्राफिकल नॉलेज भी उस लेग में काफ़ी अच्छा हुआ। और बट आप कंसिस्टेंटली अगर ढूंढते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो हीरो मिलेंगे। और उसी लेग में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक इंजीनियर कपल आया इंदौर में, डॉक्टर मिलिन एंड रूपल शाह, वो प्लेटिनम गए और हमारे साथ ALS क्वालिफिकेशन में भी सेम ईयर में आए। वो हमारा 5वां जो लेग है वो मेरा दोस्त ही है, हम लोग साथ में पढ़ते थे। जब हम लोग प्लेटिनम गए तो जब लिस्ट बनाने के लिए अपलाइन बोलते हैं तो याद आया कि 20 साल पहले एक लड़का भी था मेरे साथ पढ़ता था, उसके घर पे गया क्योंकि मैं बिजनेस में था, उसने डिसीजन लेने में मना नहीं किया। बट करीब 2-3 साल तक फाउंडर 0% पे रहा। और जब ये डायमंड शिप की बात आई और उसको बोला कि आपका प्लेटिनम हमारे लिए डायमंड शिप हो सकता है मेड क्रूज में से आने के बाद, उसने बोला कि मेरे प्लेटिनम से अगर आप डायमंड जा सकते हो तो मैं मेरा
सब कुछ लगाने के लिए तैयार हूँ, और नेक्स्ट 6 मंथ में उसने क्वालिफिकेशन चालू कर दिया। छठा लेग है हमारी डॉटर क्राउन गर्ल अदिति, वीडियो में आपने देखा उसको, और उसको हमने स्पॉन्सर किया था जब वो 18 ईयर की हो गई। उनके नीचे एक कपल है इंश्योरेंस का काम करते, विर्जियन वर्षा पटेल। जब 5 लेग क्वालिफाई हो रहे तो सिर्फ छठे लेग को डिसीजन लेना था, हमने जब उनको बुलाया उनकी सोच थी कि हर एक पिन लेवल पे 2-3 महीना तो रहना चाहिए, बट उनकी ये सोच मेरे लिए बहुत महंगी पड़ सकती थी, क्योंकि हम लोग डेफ्थ में वहाँ काम कर रहे थे, हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, मैं और प्रज्ञा का काफ़ी वहाँ रोल है। और उनको बोला कि हम लोग आपके साथ में, आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। और नवंबर में एक बार क्वालिफिकेशन हो गया, उन्होंने पीछे मुड़ के कभी क्वालिफिकेशन मिस नहीं किया, आज उनके लेग में गोल्ड प्रोड्यूसर भी हुआ, और इसी तरह हमारे 6 लेग क्वालिफाई हुए। बट ये डायमंड जाने का जो डिसीजन है, देखिए एमरल्ड तो 2005 में हो गए थे, और उसकी जो चिंगारी लगी वो मैट क्रूज में लगी, जब हमारे अपलाइन डबल डायमंड कुमार जी वहाँ आए थे, और उन्होंने 50th anniversary सेलिब्रेशन जो एमवे का हो रहा है लास वेगास में, उनके बारे में बताया कि अगर एक डायमंड अगर इंडिया से भी क्वालिफाई होकर आ जाएगा हमारे लेग से तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने और प्रज्ञा ने सोचा कोई भी आ सकता है, बट वाई नॉट अरुण एंड प्रज्ञा। और वापस आने के बाद कॉरपोरेशन से GIP प्रेजेंटेशन के बारे में भी समझा, मैंने सीरियसली एक्सेल शीट में कैलकुलेट किया कि कितना पैसा हो सकता है। 2,000-5,000 के इंक्रीमेंट के लिए मैं 12-15-18 घंटा अगर फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ, तो लाखों रुपये के GIP के लिए मैं 2 प्लान एक्स्ट्रा नहीं दिखा सकता हूँ क्या रोज? और ये करीब मई 2007 की बात है, और उसके 6 महीने बाद एग्जैक्टली नवंबर में क्वालिफिकेशन चालू हुआ, और मई 2008 इट वॉज ऑल ओवर। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि लेग शायद आपके पास भी होंगे, एक चिंगारी की ज़रूरत है। और बात रही जब सफलता और फेलियर की, सक्सेस और फेलियर की बात है, आप हमेशा सफलता के नंबर पे फोकस कीजिए, ना सिर्फ एमवे में, हर एक जगह पे असफलता के बीच से तो जाना ही पड़ेगा। कितने लोग कपिल देव को जानते हैं? कपिल देव का नाम सुना है? किसके लिए फेमस है वो? बॉलिंग के लिए। और जब वो बॉलिंग करने जाते हैं उनका गोल क्या है? विकेट लेना। और क्योंकि उन्होंने 434 विकेट्स लिए है, ही इज़ रेटेड एज अ टॉप स्टार बॉलर इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली भी उनका नाम काफ़ी अच्छा रेपुटेशन के साथ लिया जाता है। अगर आप उनकी कैरियर को देखेंगे तो करीब करीब 131 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, 27,700 से ज़्यादा गेंद उन्होंने डाली है, मगर विकेट मिला सिर्फ 434 में। इसका मतलब हुआ करीब 27,400 गेम पे या तो वाइड बॉल था, या तो नो बॉल था, या लोगों ने उसको चौका और छक्का मार के पिटाई की होगी। आपको क्या लगता है, किसी ने जब चौका और छक्का मारा कपिल देव ने सोचा होगा मैं क्विट करूं, या उसने सोचा होगा अगली बॉल पे दिखा दूंगा? क्या सोचा होगा? दिखा दूंगा। आप भी जब ऐसा सोचेंगे, जब कोई प्रॉस्पेक्ट ना बोलेगा एक और प्रॉस्पेक्ट, आप भी टॉप स्टार बन जाएंगे। कपिल देव इज नोन फॉर हिज बॉलिंग, बट आप देखिए सिर्फ 434 बॉल उसने अच्छे डाले, और जिसके लिए उसने 10-15 साल रोज 7-8 घंटा प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे 6 लोगों को ढूंढने में इतनी टाइम नहीं लगेगी। आज शायद आपको लगता होगा अरुण और प्रज्ञा ने बहुत अच्छा काम किया, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, इट्स ओनली 6 ईयर्स। आपको पता नहीं उसके पीछे कितनी ना है, उतनी ना अगर आप सुन लेंगे वो 6 हाँ आपको भी मिल जाएगी। जैसे एक आदमी एवरेस्ट चढ़ रहा था, और एक बार चढ़ा बट फेल हो गया, फिर दूसरी बार गया फिर वापस फेल हो गया, तीसरी बार गया फिर वापस फेल हो गया, बट चौथी बार जाते वक्त उसने क्या बोला पता है एवरेस्ट को, कि एक दिन मैं चढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जब चौथी बार आ रहा हूँ फिर भी तू वैसा का वैसा है, और मैं तो हर बार चेंज होके बेटर होके आ रहा हूँ तेरे पास। आज शायद आप प्रॉस्पेक्ट के क्वेश्चन आंसर हैंडल नहीं कर पा रहे, शायद आपको लगता है कि ये सवाल मैं कैसे हैंडल करूँ, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, आपके पास जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आपके पास जो ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम है, वो हर एक प्लान के साथ, हर एक फंक्शन के साथ आपको अच्छा कर रही है, और आप अपने चुनिंदा 6 लोगों को ढूंढने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको सीखना है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि 20 लोगों ने आपको ना बोला है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो 20 ना से आप अच्छा सीखे या ना सीखे। अगर आप सीख रहे हैं तो
तो ना के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर विजन। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई बहुत बड़ा स्विमर है जो इंग्लिश चैनल स्विम कर रहा था, करीब करीब 47-48 आवर्स तक कॉन्स्टेंटली उसने स्विम किया, और वहाँ पे 48 आवर्स के बाद उन लोगों के साथ हमेशा एक रेस्क्यू बोट रहता है। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोल दिया कि अभी मैं तैर नहीं सकता हूँ, शायद मैं किनारे नहीं पहुँच जाऊँगा, प्लीज़ लिफ्ट मी आउट, और उनको निकाल दिया। और किनारे पे जाके उनको पता लगा कि सिर्फ आधा घंटे की देरी पे किनारा था। जब ये चीज़ उनको पता लगी, उनको बहुत निराशा हो गई ज़िंदगी की कि मेरा 48 आवर्स का जो एफर्ट है, अगर एक और आधा घंटा मैं तैर लेता तो किनारे पे पहुंच जाता। किसी ने इंटरव्यू लेते वक्त पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, ही से बहुत फॉगी था, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। देखिए, एक विजिबिलिटी के एब्सेंस में आदमी क्या डिसीजन ले लेता है। अगर आज आप अपने आप को स्टेज पे नहीं देख रहे हो, एटलीस्ट अपनी अपलाइन की आंखों से देख लीजिए, ब्रिट वर्ल्डवाइड की आंखों से देख लीजिए, और वही भरोसा और वही बिलीफ के साथ आप काम करते रहिए, एक दिन आपको खुद को बिलीफ आ जाएगा और आप सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, होपलेस इंसान कभी भी बनना अच्छा नहीं है। होपलेस सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन में निराशा हो सकती है, बट वो सिचुएशन अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप बोलेंगे कि मैं होपलेस, मैं जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। इनफैक्ट यही तो अच्छा मौका है आपकी ज़िंदगी का, एक इंसान का। हमारी ये जो योनि है, कितने लोग मानते हैं कि मनुष्य अवतार सबसे बेस्ट अवतार है? आप लोग, कई बार लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं। अरे, भगवान के पास ऑप्शन नहीं था कि आपको कुछ और बनाने का? आपको चिड़िया बना देते थे, आपको कुत्ता बिल्ली बना देते थे, क्यों आप लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में कुछ नहीं है? आपकी किस्मत सबसे अच्छी है, इसलिए आप बेस्ट अवतार इंसान के रूप में यहाँ पे आए हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्लान नहीं देखा है। आप कितना भी जोर मार लो, वो लोग मर जाएंगे तब तक 100 करोड़ लोगों तक आप नहीं पहुँच पाओगे। मगर भगवान ने आपको चुना, पहले 10 साल के बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है, और आपके पास मौका है कि आप अपनी और आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी बदल सकते हो। तो आप लकी है या नहीं है? Yes. आप मानते हैं आपको 6 मिल जाएंगे? Yes. ज़रूर मिल जाएंगे, इज़ ऑल अबाउट योर बिलीफ। और देखिए, एमवे का ग्रोथ क्या है। अगर आप रिसेंट डेज में इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में अगर कुछ भी जानते हैं, तो न्यूज़पेपर में आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में है 15 साल के बाद, और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हम 750 करोड़ से 1000 करोड़ पहुँच गए। मिले, बहुत सारी कंपनियाँ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बोलती है 2000 लोगों को जॉब से निकाल दिया, कोई बोलता है 4000 आदमी को जॉब से निकाल दिया। और आप एमवे का प्रेजेंटेशन देखिए, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 171% रिक्रूटमेंट बढ़ा है। ये बेस्ट मौका नहीं है क्या हमारे लिए? बेस्ट मौका है, सब कुछ तो आपके फेवर में जा रहा है। और पहले 10 साल करने में 1000 करोड़ लगा, अगले 10 साल में आप 10,000 करोड़ पे होंगे, और तब ये हॉल पूरा डायमंड से भरा होगा। आप मानते हो ये कर सकते हो? जरूर कर सकते। आपको विश्वास है आपको 6 लोग मिलेंगे? क्या आप मेरे साथ बोल सकते हो भगवान ने मेरे लिए 6 बनाए हैं, मुझे सिर्फ उनको मिलना है, जाके प्लान दिखाना है, मैं जरूर दिखाऊंगा, कभी टीवी नहीं देखूंगा, कभी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं रोज प्लान दिखाऊंगा, मैं 6 ढूंढ लूंगा, मैं 12 ढूंढ लूंगा, मैं 15 ढूंढ लूंगा, मैं 20 ढूंढ लूंगा, मैं डायमंड हूँ, बन के दिखाऊंगा, मैं क्राउन एम्बेसडर जा सकता हूँ, चकदे पट्टे।